नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाली तिवारी जी पर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंड पुलिंग स्कीम के बारे में कि लैंड पुलिंग स्कीम आखिर क्या होती है, इससे खातेदारों और किसानों को क्या फ़ायदा है और जयपुर में पहली लैंड पुलिंग स्कीम कहाँ डेवलप हो रही है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा तो वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ आ रहा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं जयपुर की रिंग रोड के बारे में, जिससे रिलेटेड अभी एक न्यूज़ आई थी। तो सबसे पहले हम वो न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ है 17 अक्टूबर 2024 की और दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है। उत्तरी रिंग रोड अब 107 किलोमीटर का होगा, अजमेर रोड से बनेगा, पहले 47 किलोमीटर आगरा रोड से चौंप तक था। ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ अभी 17 अक्टूबर को आई है और ये न्यूज़ मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि इसी न्यूज़ के इर्द गिर्द जो है हमारा पूरा जो है आज का वीडियो रहने वाला है और इस न्यूज़ के बाद ही वापस से रिंग रोड के अंदर जो बदलाव की जो बातें हैं वो आने लगी है। इतने दिन रिंग रोड का मामला जो था काफ़ी समय से ठंडा पड़ा था, लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद वापस जो है रिंग रोड के बारे में चर्चा होने लग गई है। वैसे इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में वीडियो के अंदर, उससे पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं। इस न्यूज़ के अनुसार जयपुर रिंग रोड के उत्तरी कॉरिडोर में जो बदलाव किए गए हैं उस पर चर्चा करने से पूर्व हम चर्चा करते हैं संपूर्ण रिंग रोड कॉरिडोर के बारे में कि यह जयपुर में कब प्लान की गई, अब तक रिंग रोड कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट उसका हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और रिंग रोड के आसपास प्रॉपर्टी खरीदने से क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं, इस पर हम डिटेल में पहले चर्चा कर लेते हैं। जयपुर में रिंग रोड कॉरिडोर जो है वो सर्वप्रथम सन 2000 में प्लान किया गया, सन 2000 के अंदर जो है इसका जो है प्लान किया गया। सन 2011 में मास्टर प्लान 2025 को ध्यान में रखते हुए इसका काम चालू किया गया। सर्वप्रथम इसको 3 चरणों में प्लान किया गया। पहला और दूसरा चरण जो था उसके अंदर जयपुर के अंदर दक्षिण में 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण होना था, जो अजमेर रोड के बाद टोंक रोड, डिग्गी रोड और आगरा रोड को जोड़ने वाली थी। और तीसरे चरण के अंदर जो है जयपुर के उत्तरी भाग के अंदर 100 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण होना था, जो आगरा रोड, दिल्ली रोड, सीकर रोड और अजमेर रोड को जोड़ने वाली थी। इसका मतलब ये है कि जो पहला चरण था उसके अंदर आपका जो 47 किलोमीटर का जो दक्षिणी भाग था जयपुर के दक्षिणी भाग में जो 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बननी थी उसके अंदर आगरा रोड, उसके बाद आपका टोंक रोड, डिग्गी रोड, उसके बाद अजमेर रोड, ये आपका 47 किलोमीटर का 47 किलोमीटर का दक्षिणी कॉरिडोर जो है वो रिंग रोड का बनना था। उसके बाद जो उत्तरी कॉरिडोर था उसके अंदर 100 किलोमीटर की रिंग रोड जो है वो बननी थी, उसके अंदर आपका क्या था, आगरा रोड से आपका दिल्ली रोड, उसके बाद सीकर रोड, उसके बाद फिर से आपका अजमेर रोड। तो ये पूरी रिंग रोड जो थी ये थी जिसमें दक्षिणी कॉरिडोर और आपका उत्तरी कॉरिडोर शामिल था। जनवरी 2020 में जयपुर रिंग रोड के 47 किलोमीटर लंबे दक्षिणी कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो चुका था। मार्च 2021 में रिंग रोड के उत्तरी भाग का काम भी चालू किया गया, लेकिन भूमि अधिग्रहण ना होने के कारण यह मामला बीच में ही अटक गया। परंतु अभी जो उत्तरी रिंग रोड के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके मुताबिक रिंग रोड 107 किलोमीटर लंबा बनेगा और अजमेर रोड, सीकर रोड, दिल्ली रोड होते हुए आगरा रोड को जुड़ेगा। जैसे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि जो उत्तरी कॉरिडोर है वो आपका आगरा रोड से, ये मान लो आगरा रोड है, इसके आगे दिल्ली रोड, सीकर रोड और आपका अजमेर रोड, ये आपका उत्तरी कॉरिडोर हो गया। अब रिंग रोड में जो अपडेट हुआ है उसका मैप भी JDA ने अपने वेबसाइट पर लॉन्च किया है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पे जो ये देख रहा है मैप, ये हमारा जो अपडेटेड उत्तरी रिंग रोड का जो मैप है वो है। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कि आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक तो आपका ब्लू कलर में एक जो है पूरा लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन आगरा रोड से शुरू करते हैं तो इसमें दो कलर के अंदर जो आपको है वो लाइन दिख रही होगी। तो ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ये आपका नई रिंग रोड है, जो अपडेट हुई है रिंग रोड उसका कलर जो है येलो कलर में दिखाया है, ये अपडेटेड रिंग रोड है। और उसके बाद में जो दूसरी लाइन दिख रही है जो छोटी है वो आपकी पुरानी रिंग रोड है। तो इसके अंदर आप पूरा देख सकते हैं, अगर आप आगरा रोड से शुरू करेंगे तो आगरा रोड से सबसे पहले आप देखेंगे दिल्ली रोड तक, तो जो येलो वाला पार्ट है वो और जो पुरानी रिंग रोड है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर जो शुरू होता है वो आपका सेकंड वाला देख सकते हैं आप, कि दिल्ली रोड के और सीकर रोड के बीच में जो है वो पहले वाली जो रिंग रोड थी वो कम थी, मतलब
कम दायरा उसका था, लेकिन अभी जो नई रिंग रोड जो अपडेट हुई है वो ज़्यादा गांवों को घेरते हुए, मतलब यूँ मान के चलो कि पहले वाली रिंग रोड छोटी थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है, इसीलिए तो ये कह रहे हैं 107 किलोमीटर लंबी होगी। दूसरा, अगर आप इसी चीज़ को सीकर रोड से अजमेर रोड के बीच में देखेंगे तो भी आपको भारी अंतर पता लगेगा कि पहले की जो रिंग रोड थी वो छोटी थी और अब जो रिंग रोड है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले हिस्से को छोड़ के थोड़ा बढ़ाया है इसका, रिंग रोड का हिस्सा। तो ये अपडेटेड जो है ये नक्शा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और इसको मैंने अलग अलग भागों के अंदर आपको दिखाया है। पहले अजमेर रोड से सीकर रोड के बीच का आपको मैंने भाग दिखाया है, ये आप देख सकते हैं अजमेर रोड से सीकर रोड के बीच का भाग है। फिर सीकर रोड से दिल्ली रोड के बीच वाला भाग है, ये आप देख सकते हैं, आपको अंतर दिख जाएगा साफ। उसके बाद ये आपका दिल्ली रोड जो है वो दिल्ली रोड से आगरा रोड के बीच का जो हिस्सा है वो मैंने आपको दिखाया है, तो आपको इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। ज़्यादा अंतर आपका दिल्ली रोड और फिर सीकर रोड और फिर अजमेर रोड के बीच का जो हिस्सा है उसी के अंदर आपको ज़्यादा अंतर दिखेगा। वैसे ये जो मैप है आप खुद भी JDA की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस मैप के अकॉर्डिंग रिंग रोड के लिए JDA ने भूमि अधिग्रहण करना यानी कि ज़मीन एक्वायर करना भी चालू कर दिया है, मतलब इसी नक्शे के अकॉर्डिंग अब जो है सारा जो ज़मीन एक्वायर होगी वो इसी नक्शे के अकॉर्डिंग अब होने वाली है, और अब चालू भी कर दी है वैसे JDA ने अधिग्रहण करना, उसको भूमि के अधिग्रहण जो है वो चालू कर दिया है। तो बहुत जल्दी ही जयपुर की उत्तरी रिंग रोड भी बनकर तैयार हो जाएगी, और आपको पता है जब उत्तरी रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगी और दक्षिणी रिंग रोड आपको पता है पहले से बनी हुई है, तो पूरा एक जो है कंप्लीट रिंग रोड जयपुर का बन जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा जयपुर को और जयपुर के आसपास की जो सिटीज़ है उनको होने वाला है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिंग रोड जो है उसकी कुल चौड़ाई जो है वो 360 मीटर की है, मतलब अगर आप रिंग रोड देखेंगे तो पूरा 360 मीटर का है। जैसे आज की डेट में जो दक्षिणी कॉरिडोर बना हुआ है अगर आप जाके देखेंगे तो वो भी पूरा 360 मीटर का बना हुआ है। अब 360 मीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो 6 लेन का एलिवेटेड रोड है वो आपका आता है, उसके अलावा उसके बगल में जो सर्विस लेन है वो आती है, उसके अलावा जो कमर्शियल कॉरिडोर है वो भी उसमें शामिल है। जनरली लोगों को लगता है जो एलिवेटेड रोड है 6 लेन का वही रिंग रोड है, ऐसा नहीं है। रिंग रोड अगर आप देखेंगे आज भी जाके टोंक रोड के ऊपर जो रिंग रोड बनी हुई है, रिंग रोड के जस्ट बगल में आपको दोनों साइड सर्विस लेन दिखेगा, उसके बाद जो है कमर्शियल कॉरिडोर दिखेगा और उसके बाद एक और सर्विस लेन दिखेगा। तो ये पूरा जो मिला के ये रिंग रोड कॉरिडोर कहलाता है, ये 360 मीटर का है, मतलब अगर आप फिट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1200 फिट की जो है ये पूरी रिंग रोड कॉरिडोर कहलाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिंग रोड से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोग जयपुर होते हुए किसी दूसरे शहर जाते थे उन्हें जयपुर सिटी के अंदर जाकर ट्रैफिक में फंसना पड़ता था। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि आज की डेट में जो रिंग रोड बनी हुई है, जैसे अजमेर रोड से आगरा रोड के बीच में रिंग रोड बनी हुई है, अगर किसी को अजमेर से कोई बंदा आ रहा है और उसको आगरा जाना है तो उसको पहले सिटी के अंदर से होके जाना पड़ता था, मतलब B2 बाईपास होते हुए जाना पड़ता था, तो उसको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था अंदर, उसको उसका फ्यूल ज़्यादा लगता था, उसका टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, रिंग रोड बनी हुई है तो आपको क्या करना है, अजमेर रोड से सीधा रिंग रोड पर चढ़ना है और रिंग रोड होते हुए सीधा आगरा रोड निकल जाना है, तो उसको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या हुआ, क्या उनका जो टाइम है वो भी बच गया और उनका फ्यूल भी बच गया, तो ये रिंग रोड का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। सेम चीज़ जो सिटी के अंदर रहते हैं उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो कैसे हुआ है, अगर जो ट्रैफिक बाहर से अंदर होके फिर से बाहर जाता था वो ट्रैफिक जो है वो बाहर का बाहर ही निकल गया, तो जयपुर के अंदर वैसे ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, तो कम से कम जो बाहर का ट्रैफिक है वो तो अंदर नहीं आ रहा है, तो अंदर का ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कंट्रोल में चल रहा है आज की डेट में। और दूसरा, आपको पता है जयपुर के अंदर शाम के समय जो है वो काफ़ी सारे ट्रक और ट्रेलर जो हैं वो निकलते हैं, वो आगरा रोड जाते हैं या दिल्ली रोड जाते हैं, तो वो अंदर से होके निकलते थे पहले, लेकिन आज की डेट में जब से रिंग रोड बना है तो बाहर के बाहर ही निकल जाते हैं, तो इसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला है जयपुर को। और सबसे बड़ा तो ये है कि पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आने वाले टाइम पे आ जाएगा, जब पूरा रिंग रोड बन जाएगा तो ऑटोमेटिक पोल्यूशन का भी जो है वो कंट्रोल रहेगा। अब रिंग रोड के आसपास प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी फ़ायदा होगा। अब वो कैसे फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो रोड की कनेक्टिविटी उनको मिलेगी, अगर रिंग रोड के आसपास वो प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो उनको रोड की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरा प्रॉपर्टी की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ेगी। जयपुर में आप रिंग रोड के अंदर और बाहर लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब जो रिंग रोड है उसके आप अंदर की साइड भी 8-10 किलोमीटर तक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाहर भी आप 8-10 किलोमीटर की दूरी तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये रिंग रोड के अंदर 8-10 किलोमीटर, रिंग रोड बाहर
8 से 10 किलोमीटर। हाँ ये जरूर है कि रिंग रोड के अंदर जो है वो भाव थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि आज की डेट में थोड़ी बसावट हो चुकी है, और रिंग रोड के बाहर थोड़ा भाव कम होगा क्योंकि बाहर जो है अभी बसावट होनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको रेजिडेंशियल पर्पज़ से लेना है तो आप रिंग रोड के अंदर ले सकते हैं क्योंकि अंदर जो है थोड़ी बहुत बसावट भी हो चुकी है और भाव भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप रिंग रोड के बाहर प्लान कर सकते हैं क्योंकि अभी भाव भी कम है और बसावट भी कम है, आने वाले टाइम के हिसाब से डेवलपमेंट होना है। वैसे जयपुर रिंग रोड के आसपास प्रॉपर्टी खरीदने के क्या फायदे हैं, इस टॉपिक पे मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाऊंगा, फुल डिटेल में इसका वीडियो मैं बनाने वाला हूं बहुत जल्द, तो आपको वो भी बहुत जल्द जो है मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर मिलने वाला है। अगर आप भी जयपुर में रिंग रोड के आसपास प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया गया है। हमारी कंपनी हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप जो है वो JDA और RERA से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में वर्क करती है। तो अगर आपको जयपुर के अंदर, चाहे रिंग रोड के अंदर हो चाहे रिंग रोड के बाहर हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अगर प्लान करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम एक अच्छी सी टाउनशिप में बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी या आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड सही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। कट कर दो।